नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या विपक्ष राहुल गांधी की सुनेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस राहुल गांधी की बात सुनेगी? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने इंटरव्यू किसको दिया था? गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स को नहीं। हालांकि वो लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया के पत्रकार उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे और दूसरी तरफ वही गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर राहुल गांधी को बदनाम कर रहे थे। हाल ही में जब वो किसानों से मिले या डिलीवरी एप्स के मुलाजिमों से मिले या तमाम लोगों से मिले, ट्रक वालों से मिले, तब भी उनकी अपनी टीम ने उसे फिल्माया था। उन्होंने गोदी मीडिया को निमंत्रण नहीं दिया था। कहने का क्या अर्थ है, राहुल गांधी गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं करते हैं और कई बार वो बहुत उग्र हो जाते हैं, जिसकी आलोचना गोदी मीडिया में होती है। मगर बड़ा सवाल ये, अगर विपक्ष वाकई एक होकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है तो उसे इस बात को समझना पड़ेगा कि जान तोते में है। जी हां, वो पुरानी एक कहानी नहीं थी कि राक्षस की जान तोते में थी। तोते की गर्दन को पकड़ो तो राक्षस हिल जाता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राक्षस बीजेपी है और गोदी मीडिया तोता नहीं, मैं सिर्फ एक तुलना कर रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। कहने का अर्थ क्या है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसका प्रचार तंत्र है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गया है गोदी मीडिया, जिसकी तुलना रेडियो रवांडा से की जाती है। गिबल्स, हिटलर के जमाने के गिबल्स के प्रचार तंत्र से की जाती है। इस मीडिया का सिर्फ एक काम है, विपक्ष को बदनाम करो और भारतीय जनता पार्टी को उठाओ। और यह रोज होता है दोस्तों। जब तक विपक्ष हिम्मत नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया को पूरी तरह से बॉयकॉट करने का, वो लोग बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि जब न्यूज डिबेट्स में या शिखर सम्मेलनों में सिर्फ भाजपा के नेता होंगे ना, तब मजबूर होना पड़ेगा इस मीडिया को भाजपा के नेताओं से सवाल करने के लिए। जब उनका बिजनेस मॉडल बिखरने लगेगा तब उन्हें मजबूर होना पड़ेगा बीजेपी से भी सवाल करने का। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पिछले दो दिन की मैं आपके सामने ढेरों मिसाल पेश कर रहा हूं, एक एक मिसाल पर गौर कीजिएगा। अभी हाल ही में बिहार में लाठीचार्ज हुआ था, जब बिहार पुलिस ने भाजपा के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। भाजपा के एक नेता की मौत हो गई, उसकी जांच हो रही है। वो मौत पुलिस की लाठी से हुई या हार्ट अटैक से हुई, इसको लेकर अभी जांच हो रही है। पटना पुलिस ने बाकायदा सीसीटीवी कैमरा के जरिए यह साबित करने की कोशिश की है कि यह मौत सामान्य थी, हृदय गति रुकने से हुई थी। बहरहाल मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होगा, मगर खबर क्या मैं आपको बताता हूं। भारत 24 नाम का एक न्यूज चैनल है, उसने एक झूठी खबर चलाई। वो झूठी खबर क्या थी कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत हुई उसकी लाश पर खून के थक्के थे, खून के छींटे थे। पापा की परी ने उस डिबेट में बाकायदा अपने एडिटर को बुलाया जिसने वो स्टोरी एडिट की थी, और यह भी कहा कि हमने उन खून के थक्कों को छुपाया। उस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता लगातार बोलते रहे कि आपकी खबर झूठी है, मगर पापा की परी उग्र होकर उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रही थी। इत्तेफाकन ये वही पापा की परी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं मोदी जी, ये वही हैं। झूठ कहा गया था। एक छोटी सी झलक देखिए इस डिबेट की और उसके बाद सामने लाऊंगी जिन्होंने ब्लर किया इस तस्वीर को। प्लीज आइए सर, क्या नाम है आपका? सम्राट अशोक सिंह। सम्राट अशोक सिंह जी, ये तस्वीर आपने देखी? जी मैम। प्लीज चित्रंजन, तस्वीर में क्या था जरा दर्शकों को बता दीजिए और चित्रंजन जी को बता दीजिए क्या है। चेहरे पे और इनके कपड़े पे बहुत सारा ब्लड था जो हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते गाइडलाइन के कारण। हाँ। तो इसलिए हमने इसको ब्लर किया। कितना ब्लड था? वो कह रहे हैं खून का एक कतरा नहीं है। मैम अगर ब्लर हटा दिया जाए तो देखने वाले डर जाए। कुछ देर बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया दोस्तों।
एंकर ने माफी नहीं मांगी, मगर माना कि जो बात कह रहे थे आरजेडी के नेता वो सही है। क्या कहा उन्होंने? चित्रंजन जी आप सही साबित हुए, इनके बदन पर खून का एक कतरा भी नहीं था। पूरा डिबेट इन्होंने कर डाला दोस्तों, एक डेढ़ घंटे का जितना फुंकार हुंकार जो भी डिबेट था पूरा डिबेट कर दिया, दहाड़ लिए तमाम जगहों से, मगर ये पूरा डिबेट एक झूठ पर हुआ दोस्तों, पूरा डिबेट एक झूठ पर हुआ। माफी अब तक नहीं मांगी गई है, बात वहां नहीं रुकती है। जो ये डिबेट हुआ ना उसके क्लिप्स अब तक वायरल हो गए होंगे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में बिहार के, क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हीरेन जोशी ने खुद कहा था बीजेपी के एक सांसद को कि हम देश के 17 से 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के जरिए। वो झूठ वायरल हो चुका होगा, डिबेट का वो क्लिप वायरल हो चुका होगा तमाम जगहों पर, यानी कि काम हो गया। अब माफी भी नहीं मांगी जा रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अभी इस बात को लेकर खबर आनी है कि यह मौत कैसे हुई। पटना की पुलिस ये दावा कर रही है कि मौत हृदय गति से के रुकने से हुई है, आरजेडी भी यही कह रहा है। मुझे इंतजार है नतीजों का, मगर मुद्दा यह है कि एक चैनल खुलेआम झूठ बोल रहा था, माफी भी नहीं मांगी। इत्तेफाकन ये वही चैनल है जिनके मालिक जगदीश चंद्रा ने खुलेआम कहा था कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मगर कहने का भाव यह था कि जो मर्जी उखाड़ लो। सुनिए क्या कहा था। बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट एंड बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं तो कैसे इग्नोर करें। अब आप सोच सकते हैं कि इस चैनल में किस तरह से सुपारी ली जाती है विपक्ष के खिलाफ। अब मैं फिर से उसी सवाल को दोहराना चाहता हूं, क्या विपक्ष को गोदी मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या यही एकमात्र रास्ता नहीं है? अब दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं दोस्तों। टाइम्स नाउ का यह एंकर यह कहता है जो आपके स्क्रीन पर है, आधा सच। लोग दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को घेर कर सवाल पूछ रहे थे कि जब मदद चाहिए थी तब कहां थे, शर्म करो के नारे लगे और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। यह बात इस एंकर ने कही। इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है जिसने राजस्थान में, आपको याद होगा जब बुलडोजर चला था तो इसने झूठ बोला था कि बुलडोजर जो है वो सिर्फ हिंदू के घर में चला था और मुसलमान का घर जो है बच गया था। खबर सरासर झूठी थी, कायदे से इन पर पुलिस केस होना था, इनकी सरकारी मेहमान नवाजी होनी चाहिए थी राजस्थान में, मगर कांग्रेस का अंदाज है वहां आप जानते हैं। मगर जो वीडियो इस पत्रकार ने ट्वीट किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उनमें से ये देखिए, ये कार्यकर्ता बाकायदा इस पत्रकार को जन्मदिन की बधाई दे रहा है उसके स्टूडियो में घुस के। वही कार्यकर्ता दिखाई देता है उस वीडियो में भी। इसका अर्थ क्या हुआ कि सौरभ भारद्वाज पर भाजपा के जो नेता हैं वो निशाना साध रहे थे। अब सौरभ भारद्वाज ने इस पत्रकार के जवाब में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक एक करके तीन ट्वीट्स हैं दोस्तों। पहला ट्वीट आपके स्क्रीन पर, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि आपकी भाजपा के पूर्व मेयर बिहारी जी मुझे बुलाकर अपने टेंट में ले गए, बोले आइए चाय पिलाएंगे, मैंने शिष्टाचार में हां कर दिया और फिर भाजपा के कार्यकर्ता नौटंकी करने लगे। उन कार्यकर्ताओं को सभी पहचानते हैं, कब तक पाउडर लगाकर टीवी पर झूठ बोलोगे। आगे सौरभ क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, अब पहचानो अपनी पार्टी को, भाजपा वालों की पोल खोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम्हारी पाठशाला के प्रिंसिपल हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले वो जो तस्वीर बताई थी ना, मनीष मदान सिंह, ये भाजपा के नेता हैं। और ये देखिए, ये इनका फेसबुक का पेज है बीजेपी, यानी कि बीजेपी वो सब कर रहा था, मगर वो पत्रकार जो है
वो ये बतलाने की कोशिश कर रहा था कि आम जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार से नाराज है, होनी भी चाहिए, ये मना नहीं कर रहा हूं मैं, मगर यहां पर झूठ का सहारा लिया गया। मैं आपको सिर्फ पिछले 2 से 3 दिनों की मिसाल दे रहा हूं दोस्तों। वैसे तो मेरे पास रोज दर्जनों झूठ की ढेरों मिसालें होती हैं, और आप जानते हैं इसी मंच पर मैंने आपके सामने न जाने कितने कार्यक्रम किए हैं। और फिर एक और चीज बताता हूं, गोदी मीडिया पर बहिष्कार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि याद कीजिए अभी जो 2 दिनों की बैठक चल रही है विपक्ष की, उसमें एबीपी न्यूज के इस पत्रकार ने बाकायदा झूठ चलाया कि शरद पवार नहीं पहुंच रहे हैं। और सिर्फ एबीपी न्यूज नहीं, इंडिया टीवी ने भी, जी न्यूज ने भी, सभी ने वो झूठ चलाया कि शरद पवार नहीं पहुंच रहे हैं। इंडिया टीवी तो ये भी कह रहा है कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि न्यूज 24 की इस खबर के मुताबिक शरद पवार ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ किसी कीमत पर हाथ नहीं मिला सकता। यानी कि विपक्षी एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहा था गोदी मीडिया, उसने कहीं ना कहीं सुपारी ले रखी थी बीजेपी की। अब आप बताइए, भाजपा के जो नेता यानी नड्डा साहब कहते हैं भानुमति का कुनबा है या सारे चोरों की जमात है, उसमें और गोदी मीडिया का जो कवरेज है उसमें क्या फर्क है? दोस्तों भाजपा के ट्विटर हैंडल से कई अपशब्दों तक का इस्तेमाल किया गया विपक्ष के लिए, उनकी बैठक के लिए, उसकी ऐसी ढेरों मिसालें हैं। इनके आईटी सेल का तो क्या कहना, इनके जो आईटी सेल के हुंडे हैं उनमें और मीडिया के उन एंकर्स में कोई फर्क नहीं है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे गोदी मीडिया में जाने का क्या फायदा जो हर कार्यक्रम विपक्ष के खिलाफ करता है? मैं जानता हूं एक दूसरा तर्क यह है कि घर में घुस के मारो, गोदी मीडिया में घुस के जाके उन्हें एक्सपोज करो। कांग्रेस के कई समर्थक कहते हैं कि हमारे जो 3 प्रवक्ता हैं, सुप्रिया सुनेत, आलोक शर्मा और पवन खेरा और गौरव बल्लभ, ये लोग लगातार डिबेट्स में भाजपा के कार्यकर्ताओं और भाजपा के प्रवक्ताओं को एक्सपोज करते हैं। मगर आपको यह समझना पड़ेगा, आप बेशक जाकर एक्सपोज करते हैं मगर जो पूरा डिबेट होता है उसकी संरचना इस तरह से होती है कि विपक्ष हमेशा नुकसान में होता है। और मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं से या विपक्ष के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर तुमने गौरव भाटिया को या प्रेम शुक्ला को या संबित पात्रा को या वो पलटूराम शहजाद पूनावाला को पटखनी दे भी दी तो क्या फायदा? इनके कोई उसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। यही शहजाद पूनावाला वामपंथी नेताओं के साथ बैठकर भाजपा के नेताओं को गालियां बका करता था। यही गौरव भाटिया जो है वो आरएसएस को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता के करीब रहना है और कुछ नहीं। शहजाद पूनावाला ने तो प्रधानमंत्री के बारे में जो जो अपशब्द कहे और बावजूद उसके वो अब भाजपा के प्रवक्ता है, अब इसे आप थूक कर चाटना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रवक्ताओं को आपने पटखनी दे भी दी तो कौन सा कमाल कर लिया? इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मीडिया का बहिष्कार किया जाए। मैं जानता हूं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई एबीपी न्यूज के हाल में 2 चैनल बंद हो गए, जी न्यूज का जी हिंदुस्तान बंद हो गया, अगर विपक्ष की सरकारें उन्हें पैसा नहीं देंगी और विपक्ष के नेता उनका बहिष्कार करेंगे तो ये चैनल बैठ जाएंगे, कई लोगों की नौकरियां, कई लोग सड़क पर आ जाएंगे। मैं उसको लेकर पूरी तरह से मेरे मन में हमदर्दी है, मगर कहीं ना कहीं मीडिया को समझना पड़ेगा कि विपक्ष पर निशाना साधकर आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और सिर्फ ये लोग विपक्ष के खिलाफ सुपारी नहीं देते हैं, रोज प्राइम टाइम में जहरीले कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे तुम तो आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हो, ये चीज का होश नहीं है तुम्हें? ये सवाल है ना, तुमने तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर दी। मेरी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ जिनकी नौकरी नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश को बर्बाद करके चंद पैसे कमा लिए तो क्या है? बताइए, मैंने भी उन चैनल्स को छोड़ा है, वहां काम नहीं किया है, आज अपने मंच पर खड़े होकर और न्यूज क्लिक पर खड़े होकर आपसे बात करता हूं। बताइए, वो हिम्मत दिखाई ना मैंने, और उस सच की कीमत चुकानी पड़ती है। हमें इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है, ईडी का डर दिखाया जाता है, ट्रोल मशीनरी है जो हमारे फोन नंबर्स को वायरल करके हमें गालियां दिलवाता है, मगर उस सब का हम सामना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं।
जब तक है जान। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।